अगर आपको भी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट अर्जेंटली बुक करनी है बट आपको सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा, कोई डेट अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में आप कैसे अर्जेंटली अपनी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो? अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं VFS साइट पे, बायोमेट्रिक के लिए जाना है और अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं चल रही, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कर सकते हो? क्या आपके पास अल्टरनेटिव रूट है? अगर आपको अपनी बायोमेट्रिक की डेट चेंज करनी है, लोकेशन चेंज करना है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? कैसे आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हो? कैसे आप डेट चेंज कर सकते हो? अगर आपका पासपोर्ट आपको रिटर्न आ चुका है वीजा डिसीजन के बाद बट आपका BRP लेटर मिसिंग है, तो आप क्या कर सकते हो? कैसे आपको BRP लेटर मिलेगा? आपको किसको कॉन्टेक्ट करना है? अगर आपको वीजा एप्लीकेशन कैंसिल करनी है, अगर आपको अपनी बायोमेट्रिक डेट कैंसिल करनी है, तो आपको कैसे आपका रिफंड पूरा का पूरा मिल सकता है? क्या आप अपनी वीजा एप्लीकेशन फाइल करने से पहले ही कोई बायोमेट्रिक की डेट बुक कर सकते हो ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी वीजा एप्लीकेशन कंप्लीट कर पाओ? तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो ये आप पूरी वीडियो एंड तक देखना। इसमें बहुत सारे अलग टॉपिक्स भी आने वाले हैं वीजा VFS या बायोमेट्रिक रिलेटेड, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, आपको बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बट उससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये मोटिवेट करता रहता है ऐसी यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। एंड बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला और सबसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है कि आपने अपनी वीजा एप्लीकेशन फाइल कर दी है बट आप बायोमेट्रिक जब बुक करने जा रहे हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने होते हैं तो आप अपलोड नहीं कर पा रहे, आपको कोई एरर आ रहा है, आपको सिस्टम आपका वर्क नहीं कर रहा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या आप चेक करो कि आपकी जो नेटवर्क है, आपका सिस्टम है, आपका लैपटॉप है, सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर आपने चेक कर लिया है कि सही चल रहा है तो ट्राई करिए थोड़े डिफरेंट टाइम के बाद, क्योंकि हो सकता है उस टाइम उनके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो, टेक्निकल इश्यू हो और उस टाइम वो एक्सेप्ट ना कर रहे हो डॉक्यूमेंट। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपने जो फाइल साइज दिया है वो बहुत ज्यादा हो, तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है VFS ग्लोबल की साइट पे वो चेक करिए कि फाइल का साइज क्या होना चाहिए और फॉर्मेट क्या होना चाहिए। अगर आपने ये सब कुछ चेक कर लिया और फिर भी आप अपलोड नहीं कर पा रहे और आपको कोई टेक्निकल एरर स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? तो इस केस में आप वो टेक्निकल एरर जो आया है उसका स्क्रीन शॉट ले लो और वो आप जब भी VFS साइट पे जाओगे, सेंटर पे जाओगे, वो आपको वहां पे दिखा सकते हो और बोल सकते हो कि भाई मैं अपलोड कर रहा था बट वो टेक्निकल एरर आ गया। इसमें क्या होगा कि आप वो सर्विसेज वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, वहां पे लोग आपको असिस्ट करेंगे वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने के लिए, और इस केस में आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे। सेकंड कॉमन क्वेश्चन होता है कि अगर आपने अपनी VFS जो अपॉइंटमेंट है बुक कर लिया, अब आपको उसको चेंज करनी है, सपोज आपको लोकेशन चेंज करनी है, तो आप क्या कर सकते हो? इस केस में आपके पास चेंज का ऑप्शन नहीं रहता, आपको अपनी जो करंट एप्लीकेशन है, जो अपॉइंटमेंट है, उसको कैंसिल करनी पड़ती है और आप फिर से नई अपॉइंटमेंट न्यू लोकेशन पे बुक कर सकते हो। एंड अगर आपको कैंसिल करनी है उसके लिए आपको अपनी जो VFS ग्लोबल की साइट है उस पर लॉग इन करना पड़ेगा, आपको मैनेज अपॉइंटमेंट सेक्शन में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको अपॉइंटमेंट डिटेल दिखेगी और वहां पे आपको कैंसिल का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को या अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर सकते हो VFS ग्लोबल की साइट पे। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपको अपनी जो बायोमेट्रिक है अपॉइंटमेंट वो अर्जेंटली बुक करनी है और आप बुक नहीं कर पा रहे, आपको कोई टेक्निकल एरर आ रहा है, आपको सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा, तो आपको फर्स्टली क्या करना है, आपको अपना चेक करना है आपका सिस्टम पूरा सही है, कोई भी उसमें पॉपअप ब्लॉकर नहीं है, उसके ब्राउजर कंपेटिबिलिटी है, वो सब सही है। अगर आपने वो चेक कर लिया है फिर भी आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना है, आपको इनके कॉन्टेक्ट डिटेल पेज पे जाना है, वहां पे उनका एक फर्दर असिस्टेंट आपको ऑप्शन दिखेगा, एक फर्दर असिस्टेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हो और आपको हेल्प वो डेफिनेटली करेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको अर्जेंटली बुक करनी है तो आप VFS ग्लोबल की हेल्प लेके, फर्दर असिस्टेंट की हेल्प लेके आप अपनी अर्जेंटली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। एंड एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है कि आपने कोई प्रायोरिटी सर्विस बुक कर ली है, जैसे आपने SMS सर्विस बुक कर ली या आपने कोई भी प्रायोरिटी सर्विस VFS की जो बायोमेट्रिक डेट के लिए होती है आपने बुक कर ली, बट आप जब वहां पहुंचते हो या तो आपको सर्विस नहीं मिलती, या हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आपको अपॉइंटमेंट अवेल नहीं हो पाती, या आप नहीं चाहते कि आपको सर्विस यूज करनी है उस दिन, तो आपको VFS ग्लोबल की होम पेज पे जाना पड़ेगा, आपको जो कंट्री जहां से आप ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम कंट्री वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, वहां पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा रिक्वेस्ट फॉर रिफंड और उस पर क्लिक करके आप जो भी आपने सर्विस बुक करी थी और आपने उसको यूज नहीं किया है उसका रिफंड आप क्लेम कर सकते हो। एंड बहुत बार होता है कि आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करी है, देन आपको रियलाइज होता है कि आपकी पर्सनल डिटेल उसमें कुछ गलत है या इनकम्प्लीट है। इस केस में भी आपको VFS ग्लोबल की हेल्प मिल सकती है। आपको क्या करना है, VFS ग्लोबल की होम पेज पे जाना है, वहां पे आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है जहां से आप ट्रैवल कर रहे हो, बेसिकली फ्रॉम कंट्री सिलेक्ट करनी है, वहां पे आपको कॉन्टेक्ट अस पेज आ जाएगा, उसमें आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे कि आपका फुल नेम, आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, आपका नेम ऑफ एप्लीकेशन वीजा सेंटर, ये सारी डिटेल आप जहां पर एंटर कर दोगे एंड इसके बाद आपको हेल्प मिल जाएगी ताकि आप जो डिटेल है, जो इनकरेक्ट डिटेल है या मिसिंग डिटेल है, उसको अमेंड कर सको। अगर आपने अपनी बायोमेट्रिक बुक करने जा रहे हो और आपकी उस टाइम सर्वर डाउन हो गया, आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हो गई, आपने कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या आपको प्रायोरिटी मिलती है? तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने पूछा पुरानी वीडियोस पे, तो इसका आंसर है कि नहीं, आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, आपको नॉर्मल यूजर की तरह फिर से आपको एप्लीकेशन
लॉन्च करके फिर से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। अगर आपको टेक्निकल इश्यू आ रहा है उस केस में आपको कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती, आपको नॉर्मल यूजर की तरह फिर से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। इसके बाद मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि भाई वो यूके आना चाहते हैं, उनका वीजा उन्होंने फाइल करना स्टार्ट कर दिया है, बट क्या वो बायोमेट्रिक डेट पहले बुक कर सकते हैं? वीजा एप्लीकेशन जब तक उनकी फाइल हो रही है तब तक बायोमेट्रिक डेट बुक करके रख सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। आप यूके वीजा एप्लीकेशन जब तक आप फाइल नहीं कर देते तब तक आप कोई भी बायोमेट्रिक डेट बुक नहीं कर सकते। पहले आपको वीजा एप्लीकेशन फिल करनी है, उसको सबमिट करना है, उसके बाद ही आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है ताकि आप अपने यूके की वीजा बायोमेट्रिक जो डेट है अपॉइंटमेंट है उसको बुक कर पाओ। देन एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है लोगों में कि उनका उन्होंने अपनी बायोमेट्रिक दे दी, उनका पासपोर्ट उनका रिटर्न आ गया बट उनका बीआरपी लेटर मिसिंग है, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं? तो बाय डिफॉल्ट जो बीआरपी लेटर होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और वो आपको आपके पासपोर्ट के साथ आता है, बट ये जनरली ये नहीं होता कि आपको पासपोर्ट के साथ ही आएगा, वो 3 दिन आगे पीछे मिल सकता है, या तो 3 दिन पहले भी आ सकता है या 3 दिन के बाद भी आ सकता है। तो अगर आपका बीआरपी लेटर अभी तक आपको नहीं मिला है और अगर आप वेट कर रहे हो तो आप 3 दिन तक वेट करिए, हो सकता है उन 3 दिन के बीच में आपको आपका बीआरपी लेटर आ जाए। कभी कभी ये भी होता है कि आपका बीआरपी लेटर पहले आ जाता है और आपका पासपोर्ट बाद में आता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 3 दिन का आप बफर टाइम देके देखिए, अगर 3 दिन हो चुके हैं और आपको फिर भी आपका बीआरपी लेटर नहीं मिला है, जब आपको पासपोर्ट आपका मिल गया है, आपने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद भी आपको आपका बीआरपी लेटर नहीं मिला, इस केस में आपको एक ईमेल एड्रेस है उस पर आपको एक मेल ड्रॉप करना पड़ेगा और वो ईमेल एड्रेस है decisionletterrequest@fcdo.gov.uk। तो ये ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हो और इनको आपको क्या दे? इनको आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासपोर्ट नंबर एंड आपका GWF नंबर जो भी जनरेट होता है जब भी आप वीजा एप्लीकेशन फाइल करते हो उसके बाद। तो ये आपको कुछ डिटेल आपको इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी और ये आपको चेक करके बता देंगे कि आपका बीआरपी लेटर का स्टेटस कहां है और आपको कब मिल सकता है। सो ये था आज का वीडियो जहां पे मैंने कुछ क्वेश्चन के आंसर किए। अगर आपको अपनी बायोमेट्रिक डेट बुक करनी है, आपको बायोमेट्रिक डेट चेंज करनी है, सेंटर चेंज करना है, आपका बीआरपी लेटर नहीं आया, ये जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जब भी आप बायोमेट्रिक बुक करने जाते हो यूके वीजा एप्लीकेशन की, तो उसमें आपके जो डाउट्स होते हैं मैंने यहाँ पे क्लियर करिए। हो सकता है बहुत सारे डाउट मेरे मिस हो गए, तो आप अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझसे। अगर हो सकेगा, मुझे अगर उसका आइडिया होगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करने का ट्राई करूंगा, या उनको क्लब करके एक डिफरेंट वीडियो भी बना सकता हूं ताकि आप सब लोगों के एक साथ हेल्प हो सके। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, तो लाइक कर देना, हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती है उसके साथ डेफिनेटली शेयर करिए। इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हो, हम वहां पे भी बहुत एक्टिव हैं, आप हमें उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है आपको 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए तो आप वो भी बुक कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो ताकि हम आपकी डेडिकेटेड टाइम स्लॉट देकर हेल्प कर सके। सो वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून, अंटिल देन टेक केयर, बाय।